हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमारा मेन मोटो है हमारे चैनल का, क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड, दो ही बातें हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो भी कंटेंट होता है आपके एग्जाम में कुछ काम आए, ऐसा आपको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ ऐसा सिखाया जाए, वही हमारा हमेशा हर वीडियो में यही मोटो रहता है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, हमने एक सीरीज चलाई थी काफ़ी दिन पहले, हार्ड जो HSC क्वेश्चन हैं, जो HSC के एग्जाम में आ चुके हैं, उनकी एक सीरीज चलाई थी। और मैं आपको दिखाऊंगा उस सीरीज में से कितने क्वेश्चंस ग्रुप डी में एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए थे, जो बहुत लोगों ने गलत किए हैं, क्योंकि उनका लेवल अच्छा था उन क्वेश्चंस का। जैसे वो चाहे वो क्वेश्चन हो कि मौर्य जो साम्राज्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, सूर्य जगाधरी, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजसी मुकुट कहाँ से मिला है, कुणाल, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी के आपके एग्जाम में आए थे। और हमने आपको जो सीरीज प्रोवाइड करवाई थी उसमें 7 वीडियो हैं जो HSSC के एग्जाम्स में आए हुए अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं, मुश्किल जो क्वेश्चन हैं, जो नॉर्मल बुक्स में नहीं है। हम दोस्तों आपको पता है, पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इन बातों को बार बार रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो हम आसानी से इनको कर देंगे। हमारा फ़ायदा तभी होगा एग्ज़ाम में, हमारी परफॉर्मेंस बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बेटर तभी होगी जब हम कुछ अलग उनसे करने की कोशिश करेंगे। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, इस वीडियो की मैं PDF तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है इतना। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, थोड़े जल्दबाजी में ही लिखे हुए हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं एग्जाम्स जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से, लेकिन मैं आपको बोल के हर क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए जो मैंने लिखा क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हरियाणा राज्य जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। थोड़ा मैं आपको इसको स्पीडली करवाऊंगा क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लगभग क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस आपको उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, उसमें 7 वीडियो हैं, वो 7 वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा मैं जल्दी ही करूँगा। तो हरियाणा राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला। नेक्स्ट है देवीलाल हर्बल नेचर पार्क, ये कहाँ पर है, यमुनानगर। जो चुहारपुर रिजर्व क्षेत्र है जो यमुनानगर में देवीलाल के नाम पर, वहाँ पर एक नेचर पार्क है, हर्बल नेचर पार्क। नेक्स्ट है मोडा वाला मंदिर, ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है, भगवान शिव को समर्पित है, बस स्टैंड के नज़दीक है, ये हमने उस सीरीज़ में करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट है बाबा केसरिया मेला, ये 1 सितंबर को लगता है, ये भी महेंद्रगढ़ में है, गांव है मांडोला, वहाँ पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट है कपाल मोचन का दूसरा नाम क्या है, गोपाल मोचन, जो कपाल मोचन का जो मेला लगता है उसको गोपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सनातन धर्म का संस्थापक दीनदयाल शर्मा, जो सनातन धर्म जो सभा है उसका संस्थापक कौन रहे हैं, दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापकों में हरियाणा से, तो जो काशीराम है अम्बाला से, वो जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापकों में से एक रहे हैं, ये बात मैंने मैंशन की हुई यहाँ पर। अगर आप BSP के जो संस्थापक रहे हैं काशीराम, उनसे इनको कंपेयर करना चाहें तो वो एक अलग व्यक्तित्व हैं और ये एक अलग व्यक्ति हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हुप्पा की फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, जो है हुप्पा की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 1973 जिला परिषदों को भंग करके शक्ति जो है उपायुक्तों को दी गई, तो कब है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कब जिला परिषदों को भंग करके जो उनकी शक्तियाँ उपायुक्तों को दे दी गई, 1973। नेक्स्ट है रंग महल जो संस्कृति है उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो जो रंग महल जो संस्कृति है उसके प्रमाण मिले हैं सिरसा से। नेक्स्ट है एसुकारी जो है किसका पुराना नाम है, तो ये है दोस्तों हिसार का पुराना नाम और इसका वर्णन मिलता है पाणिनि के अष्टाध्याय में। नेक्स्ट है राजा गजपत सिंह जींद, ये कौन सी मिशन से संबंधित हैं, फुल्किया मिशन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कार्बन की मोबाइल फैक्ट्री कहाँ पर लगाएगी, बावल जो है रेवाड़ी में है, आपको पता है। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर जो उर्वरकों की जो खपत है हरियाणा में वो कितनी है 2010-11 के अनुसार, ये क्वेश्चन जब आया था उस टाइम भी यही बात उन्होंने मैंशन की हुई थी, 2010-11 के अनुसार इन्होंने पूछा है, तो 209.8 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है मैदानी इलाकों में आम के पेड़ जो है पाए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि आम के पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं मैदानी इलाकों में। नेक्स्ट है हरियाणा नगर पालिका अधिनियम संशोधित पहली बार कब किया गया, 1973 में, जो ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि उपायुक्तों को उनकी भंग करके शक्तियाँ दे दी गई थी नगर परिषदों की। नेक्स्ट है वर्तमान में 13 महिला विधानसभा में जो है, जो टोटल है 90 जो विधानसभा असेंबली जो सीट्स हैं उनमें 13 जो हैं महिलाएं जो हैं विधायक हैं। नेक्स्ट है हंस डहर, इसके बारे में जो प्रचलित है कि यहाँ पर वर्मा हंस पर सवार होकर जो कर्दम ऋषि है उनके विवाह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है त्रावड़ी युद्ध के बाद सिरसा पर किसका अधिकार हो गया, नसरुद्दीन कबाचा का। नेक्स्ट है
फिरोजाबाद रानिया के निकट कब स्थापित किया गया? 1360 ईस्वी में ये स्थापित जो है फिरोजाबाद रानिया के निकट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट है जियोनी का प्लांट कहाँ पर लगाया? फरीदाबाद। नेक्स्ट है तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ पर है? यमुनानगर। जो तापी पावर प्लांट है यमुनानगर में। चैत चौदश मेला कहाँ पर लगता है? तो जो सरस्वती तीर्थ है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है मेला कहाँ पर लगता है। मैंने आपको ये तीर्थ पूछा था, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था सरस्वती तीर्थ पर ये मेला लगता है, चैत चौदश का मेला। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट बताना है कमेंट करके कहाँ पर ये लगता है। नेक्स्ट है टोरमैन का उत्तराधिकारी मिहिरकुल। तो जो है मिहिरकुल जो है टोरमैन का उत्तराधिकारी हुआ है। इसका जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उस टाइम मैंने आपको बताया था, और इसी से रिलेटेड एक ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इनके बाद जो शासन आया था हमारे हरियाणा में हूण शासक इनके बाद जो आया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दूसरा जो नाम क्या वर्णन मिलता है? शिलादित्य। तो अगर आपसे ये पूछा जाए शिलादित्य इनमें से किसका दूसरा नाम पुराणिक जो है ग्रंथों में या किसी भी ऐतिहासिक जो किताब उसमें मिलता है, तो हर्षवर्धन का नाम है शिलादित्य। नेक्स्ट है प्रतिहारों के जागीरदार गोगा ने पृथ्वीका में कौन सा मंदिर बनवाया? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो प्रतिहारों के जो जागीरदार रहे हैं गोगा पृथ्वीका में इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? तो विष्णु भगवान का मंदिर इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है तोमरों का शासन हरियाणा में चहमानों ने खत्म कर दिया, ये किस अभिलेख में वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों जो पालम बावली अभिलेख है उसमें इसका वर्णन है। नेक्स्ट है वाली ए मेवात कौन था जब खानवा की लड़ाई हुई? तो हसन खान जो है वाली ए मेवात था जिस टाइम जो खानवा की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है पानीपत सेकंड वार, तो ये हुआ था नवंबर 5 1556 को शुरू। नेक्स्ट है वीर भान थे एक सतनामी शिक्षक। जन्मेजय जो राजा हैं ये किसके पुत्र थे? जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं राजा जन्मेजय, जिनका संबंध है स्पीदो जींद से। नेक्स्ट है लसवाड़ी लड़ाई 1803 से मराठा शासन हरियाणा से खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से दो क्वेश्चन है, एक संधि भी हुई थी 1803 में सरजियंजन गांव की संधि, और जो है किस लड़ाई के बाद हरियाणा से जो है मराठा शासन खत्म हो गया? तो ये जो लड़ाई है 1803 में हुई, ये डेट भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है गजनवी आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो दिल्ली पर तोमर राजपूतों का शासन था। अगर कोई दोस्त वीडियो को स्किप करके ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको लग रहा हो ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं उन्होंने जो HSC में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट आउट किया है, बाहर निकाला है आपके लिए स्पेशलाइज्ड, ताकि कुछ जो फायदा आपको भी हो सके। नेक्स्ट है तैमुरिद के हमलों के समय किसका शासन था? तो तय से तय हम मिला लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट है अकबर शासन में अंबाला सरकार नहीं थी। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, न्यून में से अकबर शासन में जो चार ऑप्शन दिए गए थे कौन सी सरकार नहीं थी? तो ये तीनों तो सरकार थी दिल्ली हिसार और सरहिंद, लेकिन जो अंबाला सरकार नहीं थी उस टाइम। हरियाणवी गिद्धा किसे कहा जाता है? झूमर को। नेक्स्ट है श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन जो है संस्कार कहाँ पर हुआ माना जाता है? तो ये है भद्रकाली जो पीठ है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार, आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो गुलजारी लाल जो नंदा है इनको आधुनिक कुरुक्षेत्र का जो है वास्तुकार माना जाता है। जो बोहर शिलालेख है उसमें क्या वर्णन मिलता है? हरियाणक। क्या नाम मिलता है? हरियाणक। और ये बलबन के काल का शिलालेख है। नेक्स्ट है भगवान हरि से है जो हरियाणा का नाम बना है, ये किस अभिलेख से पता चलता है? पालम बावली अभिलेख, जो एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की रेगुलर बटालियन स्थापित करने का निमंत्रण किसने दिया? तो जो अपाखंडे राव हैं इन्होंने इन्हें निमंत्रित किया था, जॉर्ज थॉमस हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की जो अधिकांश समय जो जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु रहती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है हरियाणा में नहीं पाया जाता। तो इसमें चार ऑप्शन से दोस्तों मैंने जो है इसमें तीन ऑप्शंस बाकी लिखे नहीं है, तो लेकिन जो राइट आंसर वो था कि जो भेड़िया है वो हरियाणा में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है HSPCP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये HSPCB है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसका मुख्यालय जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था पंचकुला में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है गीता जयंती का आयोजन कब किया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में अभी भी होना है 2018 में। नेक्स्ट है 1947 विभाजन के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? गोपी चंद भार्गव जो हैं, जब भारत में जो आज़ादी के बाद जो है विभाजन हुआ था पाकिस्तान भारत में, तो उस टाइम पंजाब का जो पहला CM गोपी चंद भार्गव बने थे। नेक्स्ट है हरियाणा विकास कमेटी की स्थापना कब की गई?
तो ये है दोस्तों, एक विकास पार्टी है वो अलग है, हरियाणा विकास पार्टी। 1961 में ये विकास कमेटी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, इसके अनुसार 500 की आबादी पर पंचायत का गठन होता है, ये आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन हैं ये। और पंचायत समिति जो सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, जो पंचायती राज अधिनियम है, धारा 58। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का क्षरण किस कारण होता है, तो ये आपको दोस्तों कई जो क्वेश्चन होते हैं एज इट इज आ जाते हैं। जैसे ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में जो क्या समस्या है, तो मृदा अपरदन की जो समस्या है हरियाणा में, तटीय जो चट्टाने हैं, से ज्वार की तेज लहर के जो टकराव के कारण जो मिट्टी का क्षरण हरियाणा में होता है। नेक्स्ट है खोड़िया जो है कौन से नृत्य का एक प्रकार है, तो झूमर का ही एक प्रकार है। जो गुग्गा नृत्य है वो केवल, जो ये जो निशान आप देख रहे हैं ये बायोलॉजिकल साइन होते हैं दोस्तों, ये होता है मेल का इस टाइप से, और जो ये होता है फीमेल का, तो ये मैंने अपने अनुसार लिख दिया था यहाँ पर। गोगा नृत्य है पुरुषों के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा के संदर्भ में प्रारंभिक शिलालेख जो है अरुणोराज का अजमेर शिलालेख, और चहमान भी जो चौहानों का इसमें जो है इतिहास लिखा गया है इसी अभिलेख, इसी शिलालेख के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी आपने ग्रुप डी के एग्जाम में देखा होगा, इससे पहले लैब अटेंडेंट के एग्जाम में भी एडिटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है इसमें जो नाम क्या है हरियाणा का, वो भी आप देख लीजिए, हरितना का, स्कंद पुराण में हरियाला, और जो पालम बावली जो अभिलेख है, तीन क्वेश्चन इसके आ चुके हैं हरियाणा का, इसका जो नाम है हरियाणा का मिलता है पालम बावली जो है अभिलेख के अनुसार। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सूरजभान है इन्होंने कहाँ पर जो है उत्खनन नहीं किया है, तो जो बनावली है यहाँ पर इन्होंने नहीं किया, बाकी जो तीनों जगह हैं इन्होंने यहाँ पर जो ऐतिहासिक जो उत्खनन है इसको किया है, मित्तासल, सिसवाल और सुद में। सुद का एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो सुग है मौर्य जो संस्कृति के, जो मौर्य साम्राज्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, अलग से क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है, ये आगे भी इसमें नोट्स में आएगा ये। नेक्स्ट है हरियाणवी और हिंदी गज़ल के लिए जाने जाते हैं, कंवल जो हरियाणवी हैं वो जाने जाते हैं हरियाणवी और हिंदी गज़लों के लिए। नेक्स्ट है 1014 ईस्वी में गजनी ने थानेश्वर पर अटैक किया था, तो ये क्वेश्चन आया था कि जो 1014 ईस्वी में कौन से शहर पर पहली बार जो है गजनी ने आक्रमण किया, तो 1014 ईस्वी में थानेसर पर। नेक्स्ट है बाबा खेड़े वाले का मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौरंगाबाद भिवानी में लगता है गांव में। इसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, इसमें थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन था वो, उसमें ये पूछा गया था कि भगवान जो इस सृष्टि का जो रचना हुई है वो किस भगवान ने की है, उसमें तीन ऑप्शन थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और इनमें से कोई नहीं, तो ये आप देख रहे हैं भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से की। नेक्स्ट है कल्पना चावला जो तारामंडल है कुरुक्षेत्र में, उसकी स्थापना 2007 में हुई है। नेक्स्ट है बाण के अनुसार पुष्पभूति, तो कौन है पुष्पभूति, श्रीकंठ जनपद के शासक रहे हैं, किसके अनुसार, बाण के अनुसार। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति शिलेख बताता है कि योद्धों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकारी, तो ये आप आपसे पूछा जाए कि योद्धों ने गुप्त जो शक्ति है उसकी अधीनता स्वीकार ली, तो ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है उसके अनुसार। नेक्स्ट है पिहोवा जो शिलालेख है 1882 ईस्वी का, ये किससे संबंधित है, जो मिहिर बोध जो शासक हुए हैं उनसे संबंधित है, जो घोड़ों के लिए व्यापार के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है किस कंपनी के साथ जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ये समझौता हस्ताक्षर किए जाते हैं किसी कंपनी के साथ, MOU बोला जाता है, तो ये किसके साथ किए गए हैं, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, जो बागवानी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए और उनको पैकेज करने के लिए USA की एक कंपनी है। नेक्स्ट है पहली कैटरपिलर ट्रेन गुड़गांव से शुरू होने की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 80 के दशक में न्याय युद्ध आंदोलन किसने चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल ने 80 का जो दशक था 1980 उसमें ये न्याय युद्ध आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है किस जगह उत्तरार्ध हड़प्पा और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिलता है, तो ये दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, क्वेश्चन आगे आएगा, तो ये कहाँ से मिलते हैं कि जो उत्तरार्ध हड़प्पा युगीन जो है सभ्यता और चित्रित जो कलर्ड मृदभांड जो संस्कृति है PGA बोलते हैं इसको, इसको जो परस्पर संबंध होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, भगवानपुरा, और इसका उत्खनन किसने किया है, JP जोशी ने।
नेक्स्ट है दिवोदास किसका मुखिया था। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये जो अभी हम कर रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, भरतवर्ग का जो है मुखिया था दिवोदास। और ये क्वेश्चन जो 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रश्नु जो नदी है प्रश्नी उसके तट पर यह हुआ था। कुरु वर्ग किन का समामेलन था, भरत और कुरुओं का, ये आपको याद रखने हैं जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। MOU फॉर सिटीजन डाटाबेस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन किसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं जो नागरिकों का जो डाटाबेस बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है ई खरीद प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी, करनाल से। नेक्स्ट है NCR में हरियाणा का हिस्सा, आपको पता है 14 जिले हैं, आप समझ सकते हैं 22 में से कितना लगभग ये होगा। नेक्स्ट है चुहारपुर रिजर्व फॉरेस्ट में देवीलाल हर्बल पार्क, ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन जो आया था, देवीलाल हर्बल नेचर पार्क कहाँ पर है, यमुनानगर। और अगर आपसे ये पूछा जाए चुहारपुर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये भी यमुनानगर, और इसी के अंदर वो आपका पार्क है देवीलाल हर्बल पार्क। नेक्स्ट है भगवत गीता के पहले श्लोक में किस स्थान को धर्म क्षेत्र नीति प्रायणता का क्षेत्र कहा गया है, कुरुक्षेत्र को बोला गया है धर्म क्षेत्र या नीति प्रायणता का क्षेत्र कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में इस्कॉन जो है समूह जगन्नाथ यात्रा कब शुरू की इन्होंने, तो 1993 में जो इस्कॉन समूह है उसने 1993 में ये शुरुआत की थी, श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये आप जो हमारे पहले वीडियो हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छे से आपको ये जितने भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हैं जो सीरीज थी हमारी 7 वीडियोज की उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ये वीडियो सिर्फ रिविजन के लिए है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दीनबंधु ग्राम उदय जो योजना है उसको जो राशि कौन देता है, फंडेड किसके द्वारा इसको राशि मिलती है, तो नाबार्ड इसको राशि देता है। नेक्स्ट है वार्षिक वाणिज्यिक और फलोद्यान फसलों के लिए कृषकों द्वारा दी जाने वाली राशि 5% जो है प्रीमियम जो राशि होती है, रबी फसलों के लिए 1.5%। बड़खल झील पर्यटन संकुल, ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, एक 1947 में बनी थी और ये पूछ रहा है पर्यटन जो टूरिस्ट के लिए वहां पर जो और जो चीजें बनाई गई वो कब बनाई गई, 1973 में। नेक्स्ट है सैरिस्का, ये नाम पहले तो आपको ये बताना चाहिए सिरसा का है, किस किस में इसका वर्णन मिलता है, महाभारत में, अष्टाध्यायी में, दिव्यदान में, इन तीनों में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हर्बल फॉरेस्ट जो पार्क है 53,000 एकड़ में कहां पर बनाया जा रहा है, ये है दोस्तों पंचकुला में बनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है करनाल में कौन सा ये पांडु मेला जो है कहां पर लगता है, प्रतिमा लगता है पांडु मेला करनाल में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन जो पूर्वी सिरा हड़प्पा सभ्यता का किसे कहा जाता है, मित्ताथल भिवानी में है। बगीचों का त्यौहार चंडीगढ़ में 1997 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है उमराव खान का जो घराना कौन सा है, वो है दिल्ली घराने से, जो सांगी जो हुए हैं अलग अलग उनके घराने पूछ ले जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है शहीद उधम सिंह शहादत दिवस, ये बनाया जाता है 31 जुलाई को, एक बनाया जाता है राव तुलाराम के लिए उनकी याद में 23 सितंबर को, ये आपको याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हिंदू महासभा, इसकी स्थापना किसने की है, मदन मोहन मालवीय, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय का लोकप्रिय नाम क्या है, बिस्वान मिल, जो लोकल लोग हैं उनको तो पता होगा बिल्कुल, जो राई सोनीपत में है मोतीलाल नेहरू जो है खेल विश्वविद्यालय, बिस्वान मिल चौक भी है वहां पर, न्यू ईयर पे हमने भी वहां पर ड्यूटी दी थी। नेक्स्ट है सूरजकुंड मान्यता अनुसार बना, 10वीं शताब्दी में, ये 10वीं सदी में सूरजकुंड मान्यता के अनुसार माना जाता है कि उस टाइम इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के पावर प्लांट को कोयला ज़्यादातर कहाँ से मिलता है, कल्याणपुर बादलापारा झारखंड से जो है कोयले की सप्लाई जो हरियाणा के न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता देते थे उसे, जो है ईस्ट इंडिया जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी जो शाह आलम था जो शासक उसको जो भत्ता देती थी उसको क्या कहते थे, नियत क्षेत्र, नियत क्षेत्र। पुराने फिरोजशाह शहर की मरम्मत चार्ल्स मेटकोफ ने जो पुराना जो फिरोजशाह शहर है उसने करवाई थी। 1857 के विद्रोह के तफजल हुसैन का जो अभियान कहाँ से केंद्रित था, तो तफजल हुसैन है रोहतक से, इनका जो अभियान था 1857 की जो क्रांति हुई है। नेक्स्ट है
उर्दू के पहले राज्य कवि, उर्दू के पहले राज्य कवि की बात हो रही है दोस्तों। ये अनूप चंद आफ्ताब जो है अरावली की जो है औसत ऊंचाई कितनी है 200 से 500 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है राजीव सरकार में कृषि पर्यावरण मंत्री और वन मंत्री कौन रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार की बात हो रही है ये दोस्तों, तो भजनलाल जो है उस टाइम जो है रहे हैं। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव 2014, 1351 में से 1116 जो है महिलाएं पहली बार सबसे ज़्यादा जो चुनाव लड़ा था, तो जो है 116 पहली बार, जिसमें से आपको पता है 17 ने जीत हासिल की थी, पहले क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद पंजाब का प्रधानमंत्री कौन बना, तो ये है मलिक सर खिजर हयात दीवाना। नेक्स्ट है छोटू राम ने किससे भाखड़ा बांध समझौता किया, तो बिलासपुर के राजा, ये तो आप सबको पता है भाखड़ा बांध के जो है निर्माता किसे माना जाता है, छोटू राम को। लेकिन जो ये क्वेश्चन है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर के राजा के साथ इन्होंने समझौता किया था भाखड़ा बांध बनाने के लिए। नेक्स्ट है छोटू राम के उपकारी कौन रहे हैं, सेठ छज्जू राम। 1920 असहयोग में भाग लिया हरियाणा से श्री राम शर्मा ने। नेक्स्ट है रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र ये बनाया गया है दोस्तों झज्जर में, जो हैचरी है ऑर्नामेंटल जो फिश बोलते हैं जो हम घरों में रखते हैं एक्वेरियम, उसके अंदर सजावटी जो मछलियां होती हैं उसके लिए बनाया गया है झज्जर में। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, हरियाणा राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई, 2006 में। श्री कृष्ण म्यूजियम ये आपको पता है कहाँ पर है, 1987 में इसकी संस्थापना की गई है। लोक कथाओं का अरुस्वती म्यूजियम कहाँ पर है, गुड़गांव। नेक्स्ट है पाथरी माता मेला कहाँ पर लगता है, पाथरी माता का मेला लगता है दोस्तों पासे पा पानीपत 30 दिन। नेक्स्ट है राव तुलाराम का साथ दिया और अहिरवाल में संघर्ष पुनर्जीवित किया ये कौन है, मोहम्मद आजम। नेक्स्ट है सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त, नारनौल का जो युद्ध हुआ 1857 में उससे हरियाणा में जो है विद्रोह की समाप्ति हो गई। ब्रह्मचर्य जो आश्रम है भिवानी में उसके संस्थापक पंडित सीताराम। देहाती मेला ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, कैथल में 7 दिन लगता है ये। हरियाणा में साल बनाने का बेसिक जो है मूलभूत जो रंग है वो है हरा। इसके बाद नेक्स्ट है अंबाला जो काल का जो हेरिटेज जो लाइन है अंबाला काल का की वो है 1891 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने वकालत कहाँ से शुरू की, तो हिसार से ही लगभग इनके क्वेश्चन होते हैं। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन है, स्वामी सरदानंद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका आल्ला साहित्य जो है उसकी विधा कौन सी है, तो आल्ला जो साहित्य है उसमें है लोकवीर गाथाएं। धमाल कौन से जिलों में प्रसिद्ध है, झज्जर और महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है वामन पुराण, थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि जो थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन इनमें से किस पुराण में मिलता है, वामन पुराण में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत बार, अब भी रिपीट हुआ है, लैब अटेंडेंट में भी आया था, ग्रुप डी में भी आया है, और जब ग्रुप डी का सॉरी जब लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था उस टाइम कई जो हैं यूट्यूबर्स उन्होंने की डाली तो उनको आंसर ही नहीं पता था इसका, और उस टाइम हमने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, इन्होंने शायरी की शुरुआत की थी, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है NPTI का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है उसका मुख्यालय है फरीदाबाद। UIDAI ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है जो इंडिया की वो कहाँ पर है, इसका जो डाटा सेंटर है जो आधार कार्ड बनाती है ये संस्था इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये है दोस्तों मानेसर में, मानेसर गुड़गांव में। इसके अलावा जो NSG का जो सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का जो ऑपरेटिंग और ट्रेनिंग सेंटर है वो भी मानेसर में है। ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों ग्रुप डी में आपने देखा होगा। हरियाणा में जो मुख्यतः भौगोलिक विशेषताएं हैं 4 हैं। हरियाणा में जो पहला विधानसभा लोकसभा चुनाव कब हुए, 1967 में। सन्निहित जो सरोवर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। पर्यावरण प्रशिक्षण जो संस्थान है वो गुड़गांव में है। दोस्तों फास्टली इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन हो, और हमारे जो सीरीज थी पहले हमने उसमें वीडियोस में ये करवाए हैं बिल्कुल डिटेल से, वो आप देख सकते हैं अगर आपको फास्ट लग रहा है तो। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्य उत्पादक, आलू का मुख्य उत्पादक कुरुक्षेत्र जो है, प्याज का मुख्य उत्पादक गुड़गांव, फूल गोभी का सोनीपत, टमाटर का करनाल। नेक्स्ट है सूरदास ने शिक्षा किससे ली, हरिदास से। इसके बाद हुड्डा जो है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका नया नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है ये 1977 में स्थापित किया गया था। बल्लभगढ़ का जो किला है वो 1739 में बनाया गया। नेक्स्ट है थर्ड बैटल 1761 में जो हुई है पानीपत का थर्ड जो लड़ाई है,
मराठा तोपखाना के प्रभारी कौन थे? इब्राहिम खान गार्दी। और जो हम इसी लड़ाई का क्वेश्चन अगला, इसके बाद जो मराठों को शरण किसने दी? सूरजमल ने। और सूरजमल को जाटों का प्लेटो किसने कहा? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जेएन सरकार ने, जेएन सरकार। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है, आवासीय जो बोर्ड है, उसकी स्थापना 1971 में। सोना कार रैली जो है 53वीं 2017 में हुई, तो 54वीं 2018 में। इसकी शुरुआत हुई 1964 में, लैबरेनेट में क्वेश्चन आया था। कौन से महीने में होती है? फरवरी में। हर साल ये होती है जो सोना कार रैली, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। किस प्रकार की कारों की रैली है? तो विंटेज कार, जो पुरानी जो कारों की रैली है, ये विंटेज कारों की। नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय जो है दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जाट जो समुदाय है। और अभी एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, कौन सा जिला? तो पानीपत जो है दरी बनाने का केंद्र है। नेक्स्ट है, मेवाती विद्रोह के दौरान पहला नेता जिसे बलबल ने पकड़ा? तो जो मलका है, इन्होंने जब ये इनकी लड़ाई चल रही थी बलबन की, उस टाइम इनके ऊँटों को लूट लिया था। बाद में कई साल के बाद दोबारा बलबल ने वो बात याद रखी और इनको अटैक किया वहाँ पर मेवात में, और मलका को जो है पहली बार गिरफ्तार किया। इनकी जो लंबी जो कहानी है वो हमने जो वीडियो इसका बनाया था उस टाइम अच्छे से डिस्कस की है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक? तो बहादुर नाहिर जो है मेवात की जो खानजादा जनजाति है उसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने करनाल युद्ध में साहस दिखाने के लिए रेवाड़ी के किस शासक की प्रशंसा की? बाल कृष्ण की। नेक्स्ट है, साबूसा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है पणिहारी सिरसा में, अगस्त और सितंबर के महीने में। 1864 में जींद शासक के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? हाकिम कासिम जो अली हैं, इन्होंने विद्रोह किया था 1864 में, जींद के जो शासक हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में वहाबी आंदोलन का नेता विलायत अली खान, हरियाणा में वहाबी आंदोलन का नेता कौन रहा है? विलायत अली खान। नेक्स्ट है, अपने भजनों से आर्य समाज के विस्तार में भूमिका किसने निभाई? पंडित बस्तीराम। आपको कमेंट करके बताना है इनका संबंध किस जिले से, किस गांव से है पंडित बस्तीराम का। नेक्स्ट है, पहला जो आर्य समाज का जो गुरुकुल है वो है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत को नगर निगम 2010 में बनाया गया। प्राचीर वाला शहर जिसके चारों तरफ अलग अलग गेट्स होते थे, शाम को उनको बंद कर दिया जाता था, इस टाइप की बातें जो है बातें मिलती हैं हिस्ट्री में हमें देखने को, करनाल में इसको बोला जाता है प्राचीर वाला शहर। हरियाणा के जो जाट हैं नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद, ये क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि यहाँ पर ब्लैंक दे रखा था उन्होंने, हरियाणा के जाट समुदाय किस पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाली दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो जो है नीली पृष्ठभूमि, ब्लू। और वैसे बेसिक कलर कौन सा है? ऊपर क्वेश्चन आया था ग्रीन, जो साल बनाने के लिए मूलभूत रंग है। जिला कौन सा है? पानीपत, दरी बनाने के लिए। समुदाय कौन सा है? जाट समुदाय। चार पाँच क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके। नेक्स्ट है, अम्बाला क्षेत्र का पहला उल्लेख, तत्त्रीयारण्यक में पहला उल्लेख मिलता है अम्बाला क्षेत्र का। पानीपत म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना कब की गई? 1867 में। हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। ये क्वेश्चन दोस्तों अब आप देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। किसी ने को देखा हो किसी ने क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आया है ये एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज, बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण परिषद एक सलाहकार समिति है, किस टाइप की समिति है? ये क्वेश्चन आया था सलाहकार समिति। नेक्स्ट है, WIC हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए वेस्टर्न यमुना कैलन, जो पश्चिमी यमुना नहर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? यमुना नगर में। नेक्स्ट है, टेराकोटा के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर। टेराकोटा मिट्टी का प्रकार होता है, एक जो मिट्टी के जो हैं चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भादनकों को किसने हराया? पृथ्वीराज तृतीय ने, पृथ्वीराज द्वितीय। इसके बाद नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में संत पूर्ण भगत का अन्य नाम, जो 12वीं शताब्दी के संत हुए हैं पूर्ण भगत, इनका दूसरा नाम क्या है? चौरंगी नाथ। मौर्य काल अस्तित्व प्रमाण मिले हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों आपने बहुत ढूंढा होगा, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, जिन्होंने साथियों ने पहले नहीं पढ़ा है, ग्रुप डी में आया था ये बिल्कुल। उसमें दो ही ऑप्शन थे, एक तो था सुग, बाकी तो कोई मैथ वाला ऑप्शन था ही नहीं, बिल्कुल अटपटे ऑप्शन थे उसमें। दो ऑप्शन थे कुरुक्षेत्र और सुग, सुग है दोस्तों जगाधरी में, और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, मौर्यकालीन अस्तित्व के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? सुग जगाधरी से। नेक्स्ट है, योद्धे जो शासक हुए हैं कौन थे? इंडो ईरानी जो शासक जो हैं हुए हैं योद्धे। इसके बाद नेक्स्ट है, योद्धियों को गुप्त साम्राज्य के सहयोगी दर्शाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया है,
समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। लीलाधर दुखी की याद में संग्रहालय बनाया गया है दोस्तों सिरसा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जरी जुट्टी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करनाल, सोनीपत, हिसार। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछा था कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हमारे काम के कौन से हैं जो प्रसिद्ध कौन से हैं। टोकरी बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फरीदाबाद, FPD। नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को की गई। हरियाणा में चिश्ती पंथ शेख फरीद और इसका दूसरा नाम है फरीदुद्दीन सकारकंज हरियाणा कंडक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, खिमाग देवता की याद में जनवरी फरवरी में मेला कहां पर लगता है? तो ये है दोस्तों सेहलंग है महेंद्रगढ़ में। 2-3 मेले पहले आ चुके हैं, एक है माता मसानी का, सॉरी वो बाबा खेड़े वाले का, वो भी भिवाणी में है। एक आया था जो है आपका मंडोला में, जो मेला लगता है मंडोला में मेला लगता है, एक नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ याद आ गया दोस्तों, केसरिया का जो मेला लगता है मंडोला महेंद्रगढ़ में। ये दूसरा है सेलंग महेंद्रगढ़ में। और एक मंदिर आया था शुरुआत में, मोड्डा वाला मंदिर भगवान शिव का, नारनौल में बस स्टैंड के नज़दीक। नेक्स्ट है, दुर्योधन ने स्वयं को छिपाया। ये दोस्तों एक और है, 21 गांव में अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। दुर्योधन ने स्वयं को छिपाया पराशर ताल बहलोलपुर करनाल में, क्वेश्चन एग्जाम से उठाया मैंने एक बार पहले जब ये करवाया था। किसी ने कमेंट भी किया था सर ये इसका आंसर गलत है, तो वो अलग क्वेश्चन है जो आप सोच रहे हैं 21 गांव वाला। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय जो प्रतिक्रिया है जो पत्रिका हिसार से जो सप्ती थी, साप्ताहिक थी है या मासिक थी, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट है, अनंगपुर डैम फरीदाबाद में है, ग्रेविटी डैम भी इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। कब बनाया गया था? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान सभा के सदस्य रणबीर हुड्डा, आप इनको जानते होंगे, वर्तमान में इनके जो हैं बेटे राजनीति में चर्चित नाम है। नेक्स्ट है, जींद के राजा गोपाल सिंह को करनाल में 1763 में बंदी बनाए गए। ये लाइन्स दोस्तों एज इट इज लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन की, जो मैंने आंसर भी इसके अंदर ही है। चंडीगढ़ का जो आधार किस वर्ष रखा गया था? 1952 में। हरियाणा परिवर्तन जो निगम है उसका मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में। महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना। इसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट रोहतक में, और गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर प्रपोजल हो चुका था, ये बनने की पूरी संभावनाएं हो चुकी थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही प्रपोजल को कैंसिल कर दिया। तो ये क्वेश्चन उसी टाइम से पूछा गया था जब इसकी संभावना, जब इसकी घोषणा हुई थी। तो कई लोग जो हैं वो अभी कमेंट करेंगे हिसार में है, हिसार में नहीं है, ये कार्गो एयरपोर्ट की बात हो रही है, वो सिविल एयरपोर्ट है हिसार में जो है। जब पहले वीडियो में करवाया था उस टाइम भी कई लोगों ने कमेंट किया था सर ये आंसर गलत है। तो ये क्वेश्चन जब आया था उस टाइम इसकी घोषणा हो चुकी थी, एक गाँव में रोहतक के गाँव में बनना था और इसका बाद में कैंसिल हो गया था ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, हरिभूमि कब से शुरू हुआ? 1996 से। मुगल शासक जिसे शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन, शाह आलम जो हैं इनके शासनकाल में है, मुगल शासकों के जो हुए हैं शासक, अंग्रेजों का शासन हरियाणा पर हो गया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वर्षा अंबाला में, ये क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। सबसे कम आपको पता है सिरसा में होती है। ये हमने दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, जिन्होंने हमारे वीडियोज देखे हैं उनको पता होगा, वो करके भी आए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का खजुराहो है भीमा देवी जो मंदिर है पंचकुला, एक भीमेश्वरी देवी, आपको कंफ्यूज नहीं होना, भीमेश्वरी वो है झज्जर में। नेक्स्ट है, परशुराम का एकमात्र मंदिर कहां पर है? जींद में। मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कहा गया है स्कंद पुराण में। और हरियाणा का नाम क्या मिलता है आपको कमेंट करके बताना है, पहले क्वेश्चन आ भी चुका है तो आपको ध्यान है क्या, आप कमेंट करके हमें बताएं क्या नाम है स्कंद पुराण में हरियाणा का। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो कृषि जो वाणिज्यिक जो मार्केटिंग जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1 अगस्त 1967। नेक्स्ट है, गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में है, महेंद्रगढ़ की स्थापना 1948 में। इसके ऊपर भी कई जो साथी हैं उनको समझ में नहीं आएगी ये बात, जिस टाइप से हिसार है 1354 में उसी टाइप से महेंद्रगढ़ कब बना 1948 में। बाकी तो जो बोलेंगे आप 1966 में 7 जिले थे तो उस टाइम महेंद्रगढ़ भी एक जिला था, तो वैसे तो 1966 में
जब हरियाणा बना तो जो 7 जिले थे उनमें भी शामिल था, लेकिन वास्तव में इसकी नींव कब रखी गई अलग जिले की, महेंद्रगढ़ की, 1948 में। शहीद का जो मकबरा है, पक्का मकबरा है, इसको बोलते हैं करनाल में। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? पंचकुला में। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, अब कई जो लोग हैं इसके ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको लगता है दक्षिण हरियाणा में तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये जिले आते हैं और इसका सेंटर हिसार में है, तो आपको याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन में जेलदार चौधरी नंदराम सैनी जो ब्रिटिश शासन के दौरान जेलदार रहे हैं। खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 28 जनवरी 1970। ब्राह्मणों के समूह कौन से हैं? तो उन्होंने एक ऑप्शन नहीं दिया था, ये ऑप्शन उन्होंने काट रखा था। तीन ऑप्शन सही दिए थे, धीमा, सारस्वत और खंडेलवाल। एक समूह और है जो ब्राह्मणों का हरियाणा में, गोड ब्राह्मण, तो उस टाइप से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इस जो है एग्जाम में। तो ये थे दोस्तों आपके लगभग क्वेश्चन होंगे, ये 300-400 क्वेश्चन जो हैं हमने डिस्कस किए, जल्दी जल्दी रिवाइज किए हैं। आपको फायदा जरूर मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, मैंने आपको दिखाया भी है कितने क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ग्रुप डी में एज इट इज क्वेश्चन आए थे। और जो हरियाणा जीके है उसको मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहाँ से पढ़े क्या नहीं करें। प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं जरूर ही उनको कर लें, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके के 70% जो आपके क्वेश्चन होंगे एज इट इज रिपीट होंगे प्रीवियस पेपर से, हरियाणा जीके की बात हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। PDF आपको इसकी प्रोवाइड नहीं, जो ये लिखी हुई है सेम एज इट इज़ यही PDF आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। वैसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF बिल्कुल अच्छे रिटर्न फॉर्म में जो है, प्रिंटेड फॉर्म में, तो उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी प्लेलिस्ट है 7 वीडियोज़ की, हार्ड जो क्वेश्चन है उसकी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उनके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है PDF के, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।